everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. Today our topic is on trachea. तो जो ट्रैकिया है ये हमारे एक रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका ही एक पार्ट है, ठीक है। अब जो ट्रैकिया है आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले प्लीज स्टूडेंट मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बायोलॉजी विद सपना। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया के ऊपर। तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका ओवरव्यू क्या है, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को ट्रैकिया के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है लेरिंग्स, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया और जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आएगी लंग्स के ऊपर, ठीक है। तो हम ट्रैकिया को पढ़ते हैं। देखिए जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो एयर होती है वो हमारे यहाँ नोज वाले पोर्शन से होके कहाँ पे जाती है, लेरिंग्स के पास, ठीक है। जो लेरिंग्स जो होती है वो एक्सटेंड करती है और क्या बनती है वहाँ पे ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, जिसको हम लोग इसका दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप, मींस ये विंड को कैरी करके लाती है और कहाँ पे ले जाती है उसको, दोनों लंग्स के पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो ट्रैकिया होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, हम बोलते हैं ट्रैकिया को विंड पाइप, ओके। उसको विंड पाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विंड को कैरी करती है और दोनों लंग्स के पास उसको ले जाती है, ठीक है। अब देखिए जो ट्रैकिया होती है इसका लोअर एंड जो होता है वो बाइफर्केट करता है हमारे दोनों लंग्स के अंदर, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ट्रैकिया होती है उसके अंदर कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो किसकी बनी हुई होती है, हाइलिन की, ठीक है। वो क्या होती है, हाइलिन कार्टिलेज। अब ये जो हाइलिन कार्टिलेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रैकिया के कोलैप्सन से बचाता है। मीन जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, मीन जब हम एयर का इंटेक करते हैं तो एयर कहाँ चली जाती है, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, तो वहां से एयर का तो पाथवे हो गया, ठीक है। अब वहां से एयर चली गई तो क्या होगा, अगर ये रिंग्स नहीं होंगे तो जो ट्रैकिया है वो हमारी सिकुड़ जाएगी। तो वो सिकुड़े नहीं, उसका जो एक ट्यूब लाइक की तो स्ट्रक्चर है ये, तो अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पिचक जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका कोलैप्सन हो जाएगा। तो जो ये हाइलिन रिंग्स होती हैं ये इसको कोलैप्सन से बचाती हैं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ हम लोग डायग्राम भी पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जैसे लेरिंग्स का पोर्शन, ठीक है, ये लेरिंग्स हो गए, यहाँ से क्या बनती है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और ये किसके बने होते हैं, ये सी शेप स्ट्रक्चर है, सी शेप स्ट्रक्चर है और क्या होते हैं ये, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है स्टूडेंट। अब जो ये हाइलिन कार्टिलेज होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रैकिया का कोलैप्सन से बचाना। मींस ये क्या करते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते किसको, ट्रैकिया को, ये कोलैप्सन से बचाते हैं ट्रैकिया को ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट आप याद रखना कि जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसका फंक्शन होता है जो ट्रैकिया होती है उसको सिकुड़ने से बचाना, ठीक है। तो मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देती हूँ क्योंकि हमें आगे डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखिए जो ट्रैकिया का लोअर हिस्सा होता है, मीन जो जो थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं वहां पे आके ये बाइफर्केट कर जाती है, कौन, ट्रैकिया, ठीक है, इसके अंदर हमारे दोनों लंग्स के अंदर, ठीक है। तो जो इसका एक बाइफर्केशन था वो गया राइट लंग के अंदर, ठीक है, और दूसरा गया लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भी ये हाइलिन जो कार्टिलेज है ये प्रेजेंट है, ये रिंग्स प्रेजेंट है, ओके। तो जो इसका पहला बाइफर्केशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं फिर से इसका बाइफर्केशन होता है, देखिए ऐसे, यहां पे भी रिंग्स प्रेजेंट होंगी इसी तरीके से दूसरे वाले लंग में भी, ओके। अब इन बाइफर्केशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये फिर
फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है स्टूडेंट। अब जो टर्शियरी ब्रोंकाई होता है ये फाइनली एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसमें स्मॉल ब्रांचिंग के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल, इनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। अब देखिए जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है ये फाइनली डिवाइड होता है उस स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एयर बैग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये एयर बैग स्ट्रक्चर होते हैं, टर्मिनल जो होता है ब्रोंकियोल उसका फर्दर बाइफर्केशन डिवाइडेशन चलती है तो क्या बनते हैं, उनसे फाइनल स्ट्रक्चर बनता है क्या, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम क्या बोल सकते हैं, एयर बैग भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ही हवा जो हमने इंटेक करी है एयर का वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो ये क्या होते हैं, एयर बैग्स, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इन एयर बैग्स का एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाऊं, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए जैसे मैंने बनाया ये हो गया टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंकाई की ये तो ब्रांचिंग है एल्वियोलाई, ये हो गया टर्मिनल ब्रोंकाई, ओके। अब टर्मिनल ब्रोंकाई जो होता है वो बनाता है एयर बलून जैसे स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो मैं सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ आपको, एल्वियोलस जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या हो गई जैसे एल्वियोलस बोल देंगे हम इसको, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है इसकी एल्वियोलस के डक्ट, तो इसको हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं एयर सैक जो बीच वाला हिस्सा है, ओके। तो जो स्टूडेंट ये जो हिस्सा होता है इसके अंदर जो है गैस फिल रहती है, ठीक है, इसके अंदर जो एयर है वो भरी रहती है और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है किसके साथ, कैपिलरीज के साथ, ठीक है। अब ये कैपिलरीज क्या करती है, जो इसके अंदर ओटू है उसको कैरी करके लाती है, ठीक है, किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरीज में क्या होती है आरबीसीज होती है, ठीक है। अब ये वापिस कैसे होता है, जैसे ही यहाँ पे इनटेक हुआ ऑक्सीजन का, कहाँ से, एल्वियोलाई से कैपिलरी के अंदर, फिर वो कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, वहां से क्या प्रोड्यूस होता है एटीपी, और ओटीपी के साथ क्या प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरी से किसमें जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर, और इस पाथवे से होते हुए वापिस ट्रैकिया लेरिंग से होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, वो जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सपेल आउट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ट्रैकिया का डायग्राम समझाने के लिए सारा मैकेनिज्म पढ़ाया है कि जो ट्रैकिया होती है उसका फंक्शन क्या है। तो जो ट्रैकिया होती है उसको हम इसीलिए विंड पाइप बोलते हैं क्योंकि ये एयर को कैरी करके लाती है, ठीक है। इसकी जब पहली बार बाइफर्केशन होती है तो हम उसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर से इसकी डिवाइडेशन होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगी, फिर वो बाइफर्केशन होगी तो ये क्या बनेगी, टर्शियरी ब्रोंकाई। अब जो टर्शियरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड होगा किसमें, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की जो लास्ट स्टेज आती है, मीन जब उनका बाइफर्केशन हो जाता है फिर से वो डिवाइड होती है तो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। और जो एक एल्वियोलाई होती है उसका डायग्राम मैंने आपको बताया है कि ये क्या होती है, एल्वियोल डक्ट होती है, इसके अंदर एयर सैक होती है, मीन्स इसके अंदर हवा प्रेजेंट होती है और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है किसके, कैपिलरीज के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया ट्रेकिया का, इसके अंदर दो ट्री होते हैं, एक तो होता है ब्रोंकियल ट्री और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। और एक जो ब्रोंकियल ट्री होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, और जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज जोन। तो मैं अब आप लोगों को जो ये हमारे ट्रेकिया होती है इसके अंदर जो दो जोन होते हैं, इसके जो दो ट्री होते हैं ब्रोंकियल ट्री और जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है, उसको मैं बना के दिखाती हूँ चार्ट के फॉर्म में। देखिए जब हम एयर इनटेक करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है हमारी इनटेक, जो हमारे नोज के जो बाहरी छिद्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से वो कहाँ जाती है,
जो हमारे नाक की कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी, कहाँ पर जाती है उसके बाद वो एयर नेजल चैम्बर में, या इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं हम इसको नेजल कैविटी, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाती है, नेजोफेरिंग्स में, मीन्स फेरिंग्स का जो सबसे पहला हिस्सा, जो नेज, जो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं उनके अटैचमेंट में होता है, तो ये सब उसके बाद में नेजल चैम्बर से कहाँ जाएंगी, इंटरनल नेरीज के अंदर, इंटरनल नेरीज, उसके बाद में नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का ही एक पार्ट है नेजोफेरिंग्स, फिर जाती है ये फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फेरिंग्स से कहाँ जाती है ये, लेरिंग्स के अंदर, जो हमने इंटेक किया है गैस का वो, और लेरिंग्स से कहाँ जाती है वो ट्रैकिया के अंदर, अब शुरू होता है ट्रैकिया का पोर्शन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये इतना पार्ट था इसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग जोन्स। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या हुआ कि ये लेके आ रही है, कंडक्ट कर रही है ना, तो ये वाला जो जोन है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके लेरिंग्स वाला जो स्ट्रक्चर है वहां तक कौन सा जोन होता है, कंडक्टिंग जोन, कौन सा जोन होता है, कंडक्टिंग जोन। और जो ये ट्री बना इसको हम बोल देते हैं क्या, ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही एयर ट्रैकिया के अंदर आई, ट्रैकिया का जो ट्यूब होती है उसका बाइफर्केशन होता है, और वो बाइफर्केशन कहाँ जाती है, हमारे दोनों लंग्स के अंदर। अब देखिए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का पहली बार जब बाइफर्केशन होता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। टर्सरी ब्रोंकाई से क्या जाती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, इसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल में, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट ये एंटर करती है कहां पे, एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्या होती है, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से कहां जाती है, एल्वियोलर सैक के अंदर, एल्वियोलर सैक, और वहां से फाइनली वो कहां चली जाती है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंकाई से पहले यहाँ पे वो एक हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सचेंज जोन, कौन सा जोन, एक्सचेंज जोन, और इसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ट्री, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था इसका एक ओवरफ्लो चार्ट मैंने बनाया है कि जो एयर होती है वो कैसे ट्रैकिया के अंदर जाती है और कैसे ट्रैकिया उस एयर को लंग्स के अंदर ले जाती है, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ट्रैकिया का बाइफर्केशन होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई में, उसके बाद जाती है वो टर्मिनल ब्रोंकाई में, टर्मिनल ब्रोंकियोल से वो कहाँ जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आ जाता है एल्वियोलाई वाला पोर्शन। अब एल्वियोलाई का भी क्या होती है, एल्वियोलर डक्ट होती है, उसका जो अंदर का स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सेल, और फाइनली किस में होता है वो, एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई जो है वो क्या होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर फिल रहती है क्या, गैस, ठीक है। और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है किसके साथ, कैपिलरीज के साथ, जहां पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, O2 और CO2 का। ओके स्टूडेंट, तो ये था एक चार्ट किसका, मैंने बताया कि इनटेक होने से, मींस कंडक्टिंग जोन से लेके रेस्पिरेटरी जोन तक, ठीक है। तो कई बार एक या दो मार्क के क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाते हैं कि आप एक चार्ट के थ्रू बताइए ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में, और क्या पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेटरी जोन कौन सा होता है और कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है। स्टूडेंट आप लोग ये डायग्राम याद रखना, इस डायग्राम में दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो मेरा मेन मोटो था वो आपको था ट्रैकिया के बारे में समझाने का, ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या होती है 12 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप भी बोलते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेजेस की बनी होती है, मीन्स यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है जो
ट्रेकिया को कोलैप्सन से बचाती है ताकि ये सिकुड़े नहीं और आसानी से इंस्पायर हम करते रहे हम हर बार एयर का, ठीक है। और ये ट्रेकिया के अंदर क्या होती है, सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। जब हम एयर इनटेक करते हैं उसके साथ अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं तो वो उनका ट्रैपिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये था ट्रेकिया का ओवरऑल फंक्शन। और इस ट्रेकिया का जो मेन पॉइंट आता है क्या पूछने के लिए कि जो ट्रेकिया है वो किससे बनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइलिन कार्टिलेज का। और इसका फर्दर अगर फंक्शन पूछे तो आप लोग क्या आंसर करोगे कि जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो ट्रेकिया को कोलैप्सन से बचाती है इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। अब मैंने इसके दोनों जोन्स बता दिए हैं, मैंने इसका डायग्राम भी आपको रफली बता दिया है। तो स्टूडेंट ये था ओवरव्यू ट्रेकिया का, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां आपको श्योरली आंसर करूंगी। तो स्टूडेंट जाने से पहले आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी लंग्स के ऊपर।